अमर शहीद तात्या टोपे के बलिदान दिवस पर हुआ रैली का आयोजन। भारत के कई हिस्सों में अंग्रेजों की नाक में दम कर देने वाली और गोरिल्ला युद्ध में माहिर 1857 की क्रांति के महान नायक अमर शहीद तात्या टोपे के बलिदान दिवस पर करैरा में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई मंगल पांडे चौराहा पर पहुंची, जहां पर नगर परिषद अध्यक्ष शारदा रामस्वरूप रावत ने सर्वप्रथम अमर शहीद मंगल पांडे की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात जनपद पंचायत सीईओ बहोन्द्र गुप्ता, बीआरसीसी विनोद तिवारी, करैरा भाजपा के मंडल अध्यक्ष हेमंत शर्मा, पूर्व जनपद अध्यक्ष नारायण गेंडा, महिला मंडल से सुधा त्रिपाठी, सीमा गौड़ सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं अनेक विभागों के कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन वरिष्ठ साहित्यकार सतीश श्रीवास्तव ने किया। संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। आदरणीय हेमंत जी, बंधु, मेरे सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं, साथी, प्यारे बच्चों, आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय शर्मा जी ने बहुत विस्तार से श्री तात्या टोपे के बारे में वर्णन किया। चूंकि उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात मैं जरूर उनके बारे में कहना चाहूँगा कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जिन सेनानियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और लगभग चूंकि ऐसे समय में इस युद्ध को लड़ा गया था जब अंग्रेजों के पास सारी शक्तियाँ थी, सभी तरह के हथियार थे, हमारे नायकों के पास इतने ज़्यादा आधुनिक हथियार भी नहीं थे, लेकिन उनके हौसले बहुत बुलंद थे। उन हौसलों के दम पर उन्होंने वो संग्राम लड़ा कि अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि हम फतेह पाते पाते नहीं पा पाए, लेकिन हमारा युद्ध जारी रहा। महारानी लक्ष्मीबाई की शहादत के बाद आज जिनका हम बलिदान दिवस मना रहे हैं, अमर साथियों श्री तात्या टोपे जी ने उस क्रम को जारी रखा और उन्होंने अपनी स्थली के रूप में, हम बड़े सौभाग्यशाली कि हमारे सिवनी जिले को इसके लिए उन्होंने चुना, और गोरिल्ला युद्ध के माध्यम से वो अंग्रेजों को लगातार सतर्क करते रहे, लड़ते रहे। जहां उनको मौका मिलता था अपनी टीम के साथ वह हमला करते थे और उनको परास्त करते थे। 7 अप्रैल को हमारे गुना सिवनी के जंगलों से जब उनको पकड़ा गया, जैसा शर्मा जी ने बताया किसी मुखबिर की सूचना से, तो इसमें मैंने एक बात जो देखी है कि 7 अप्रैल को उनको पकड़ा गया और उनका जो मुकदमा चलाया गया वो इतनी फास्ट ट्रैक में चलाया गया कि 18 अप्रैल को तो उनको माफी दे दी गई। मात्र 11 दिन के अंदर उनकी सारी सुनवाई हो गई, उनको दोषी करार दिया गया अंग्रेजों की अदालत के द्वारा, और 18 अप्रैल को उनको हमारी शिवपुरी में फांसी दे दी गई, और अमर हुतात्मा ने हंसते हंसते उस फांसी के फंदे को स्वीकार किया और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर इस देश की स्वतंत्रता में